गुजरात की साबरमती जेल में माफिया अतीक अहमद उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा काट रहा, हालांकि अभी तक उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक और अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद पर आरोप तय हुए हैं। इसके साथ ही अतीक के बेटे उमर पर भी आरोप तय हुआ है। लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा करके उसके साथ मारपीट करने के मामले में ये आरोप तय किए गए हैं। मोहित जायसवाल नाम के कारोबारी को 2018 में अगवा कर देवरिया जेल में पिटाई का आरोप है। लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और आरोप तय किया गया। इस मामले में अतीक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जबकि उसके बेटे को जेल से सीबीआई कोर्ट लाया गया था। अब इसी बीच शाइस्ता परवीन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। शाइस्ता परवीन काफी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस उसको ढूंढ रही है। पुलिस सर लगातार उसको पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक पुलिस की पकड़ में शाइस्ता परवीन नहीं आई है। लेकिन इसी बीच पुलिस ने शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए नई कवायद शुरू की है। बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने इनाम बढ़ा दिया है। पहले 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम दुगना किया है। हत्याकांड के अन्य दोषी असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम और साबिर पर भी यूपी पुलिस ने इनाम की रकम 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी। पुलिस और एसटीएफ दिन रात छापेमारी कर उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटरों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के इतने दिन बाद भी मुख्य आरोपी शाइस्ता परवीन और 5 शूटर अभी तक फरार हैं। गिरफ्तार किए गए कैश अहमद ने बताया था कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी शूटर अतीक के साथ साथ शाइस्ता के भी वफादार और भरोसेमंद थे। अब शूटरों को ढूंढने के लिए पुलिस ने नए सिरे से कवायद शुरू कर दी है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश में पुलिस की 3 टीमें और अतीक के बेटे असद की तलाश में 9 टीमें लगाई गई हैं। लेकिन पुलिस को एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शाइस्ता परवीन की तलाश में लगाई गई तीनों टीमें एक बार फिर उसके करीबियों की कॉल डिटेल खंगालने में जुटी है। शूटआउट के बाद शाइस्ता को पनाह देने वाले संदिग्धों का एक बार फिर डेटा खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही उमर और अली की फरारी के दौरान मिली कॉल डिटेल को भी यूपी एसटीएफ खंगालने में जुटी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरार 5 शूटरों को पनाह देने वालों में उमर और अली के पुराने मददगार भी रडार पर है। पुलिस को शक है कि असद अपने ऐसे मददगार के पास इसका पहले कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है। यूपी पुलिस की टीमों ने एक बार फिर कॉल डिटेल और सर्विलांस में मिले डाटा और व्हाट्सएप चैट को खंगालना शुरू कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या रकम दोगुनी करने पर शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगी? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।